हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्याम चौहान और आप देख रहे हैं इसके कार वर्ल्ड और सामने अपने हैं टाटा की नेक्सॉन। अब शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले चाबी से, चाबी की बात करें तो आपको फिजिकल की मिल जाती है, किसी प्रकार की इसके अंदर आपको रिमोट की है जो कि नहीं मिलती और ना ही आपको इसके अंदर फ्लिप की जो है वो दी जाती है। अब अगर बात करें हम इसके डिजाइन लैंग्वेज की, तो देखो डिजाइन लैंग्वेज में सबसे पहले हमारी जो नज़र है वो जाएगी इसके हेडलाइट यूनिट पर। जो हेडलाइट यूनिट है उसके अंदर आपको एक प्रोजेक्टर दिया जाता है और एक नॉर्मल हेलोजन दिया जाता है। अब प्रोजेक्टर के अंदर भी आपको हेलोजन बल्ब भी दिया जाता है, लेकिन ये प्रोजेक्टर है तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। ये लो बीम होती है, ये हाई बीम है, इसके अंदर आपको मिल जाती है। अब इसके जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिया जाता है और ये इंडिकेटर हेलोजन के अंदर ही आपको मिल जाता है, जिसके अंदर भी आपको दो हेलोजन बल्ब जो है वो मिल जाते हैं। इसके पास ही आपको फॉग लैंप की हाउसिंग मिल जाती है। इसके अंदर आपको फॉग लैंप तो नहीं मिलते, लेकिन हाँ फॉग लैंप की हाउसिंग मिल जाती है। इसके पास आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक के अंदर फिनिशिंग जो है वो मिल जाती है। देखो टॉप वेरिएंट है, अगर टॉप वेरिएंट होता तो इसके अंदर आपको इंडिकेटर जो है वो, ये जो DRL आप देख रहे हो ना, इसके अंदर ही आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। उसके बाद ये जो क्रोम की बढ़िया सी जो लाइन आप देख रहे हो, ये पूरी जो है ये इसकी यहाँ तक आती है, जिसे करेक्टर लाइन एक्चुअली टाटा इसे बुलाता है। बीच के अंदर आपको जो इसकी वेंट्स हैं ये पूरी तरीके से क्लोज मिलते हैं और ये पियानो ब्लैक एक्चुअली इसके अंदर मिल जाता है और बीच में यहाँ पर आपको इसका टाटा का जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है। अब बिकॉज ये SUV है तो इसके जो नीचे के जो पोर्शन है इसके अंदर आपको मैट फिनिश का बम्पर इसके अंदर आपको मिल जाता है। यहाँ पर इसके एरोडायनेमिक जो इसके टाटा का जो सिग्निफिकेंट जो डिज़ाइन है उसके अंदर आपको वेंट्स मिल जाते हैं। अब सब बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। अब देखो साइड प्रोफाइल में जब भी आप देखोगे तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इसके टायर्स पर। टायर्स के अंदर आप देखोगे तो आपको ये नॉर्मल जो स्टील रिम जो है वही इसके अंदर दी जाती है। अब अगर बात करें इसके टायर साइज़ की, जो टायर साइज़ है इसके अंदर आपको 16 इंच के टायर साइज़ जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाता है। उसके बाद बात करें अगर इसके सस्पेंशन ट्रेवल की, तो अच्छा खासा सस्पेंशन ट्रेवल एक्चुअली आपको मिल जाता है। बिकॉज दिस इज अ SUV, अब SUV है तो सस्पेंशन ट्रेवल तो अच्छा मिलना ही चाहिए, तभी तो SUV होगी। अब उसके बाद अगर बात करें तो इसके ORVM की बात करते हैं। ORVM जो है इसका जो आपको मैट फिनिश के अंदर दिया जाता है, इसकी एक अच्छी बात जो मुझे लगी, बेस वेरिएंट से ही आपको यहाँ पर जो इंडिकेटर जो है वो ORVM के अंदर आपको जो है मिल जाता है। ये इसके वाइपर हैं जो कि नॉर्मल वाइपर जो है वही इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। अब अगर बात करें इसके साइड प्रोफाइल में, तो साइड प्रोफाइल में यहाँ पर आपको मैट फिनिश के अंदर जो यहाँ पर एक पर बड़ी सी पट्टी दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं इसके डोर हैंडल की, तो देखो डोर हैंडल जो है वो आपको मैट फिनिश के अंदर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके पीछे की डोर में, देखो पीछे की डोर जो है वो भी आपको मैट फिनिश के अंदर ही इसका डोर हैंडल जो है वो मिल जाता है। अब नेक्सॉन की जो पीछे की प्रोफाइल है वो देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। जो पीछे की प्रोफाइल है वो बहुत से लोगों को क्या है कि ना पसंद आती नहीं है, एक्चुअली सबकी अपनी अपनी पसंद है। अब इसके पीछे की प्रोफाइल देखोगे तो ये जो कार है ये आपको काफ़ी वाइड नज़र आएगी। अब वाइड नज़र आएगी तो आपको देखने में एक्चुअली ये महसूस होगा कि जो कार है वो कितनी चौड़ी है और इसके अंदर कितनी ज़्यादा जगह आपको मिल जाती है। अब टेल लैंप की बात करें तो टेल लैंप में सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इसके हेलोजन इंडिकेटर पर। यहाँ पर आपको इसका हेलोजन इंडिकेटर मिल जाता है। अब इसका जो डिज़ाइन की अगर बात करें टेल लैंप की, तो मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पर LED में आपको इसकी ब्रेक लाइट भी दी जाती है, यहाँ पर इसका रिवर्स लैंप दिया जाता है और काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। अब पीछे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये इसकी पियानो ब्लैक में यहाँ पर एक एलिमेंट जो आपको मिल जाता है, इसके ऊपर जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर टाटा का लोगो भी मिल जाता है। इसके नीचे जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको टाटा नेक्सॉन की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये इसका जो बैक बम्पर है ये भी आपको मैट फिनिश में दिया गया है। इसके अंदर आपको दो पार्किंग सेंसर जो है वो मिल जाता है और किसी प्रकार का कोई कैमरा वगैरह जो है वो आपको इसके अंदर नहीं मिलता, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। और यहाँ पर इस साइड में यानी कि दोनों तरफ आप देख रहे हो ये आपको रिफ्लेक्टर भी इसके अंदर बड़े बड़े जो है वो मिल जाते हैं। अब ये बेस वेरिएंट तो इसके अंदर किसी प्रकार का वाइपर डिफोगर आपको नहीं मिलता है, पर हाँ यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना ये लोइन फैमिली जो आपको यहाँ पर आपको इसके अंदर मिल जाती है। वोकल फॉर लोकल का लोगो, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको इसके अंदर दिया जाता है। अब देखो बूट जो है उसे ओपन करने के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की जो सेंसर है या की लगाने की जगह है वो नहीं दी जाती। आपको बूट ओपन करने के लिए फ्रंट में ही जाना पड़ेगा। अब बेस वेरिएंट इतना तो करना ही पड़ेगा। फ्रंट में जाओगे तो आपको यहाँ पर
बहुत सी गार्मेंट्स में जो है आपको यहाँ पर ही बूट स्पेस को खोलने के लिए यहाँ जगह दी जाती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर समथिंग डिफरेंट, आपको यहाँ पर जो है आप देख रहे हो इसे, ये जो आप इसकी की देख रहे हो, इसे जैसे आप प्रेस करोगे जो इसका बूट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अब बूट को करते हैं ओपन, थोड़ा सा बस हाथ का इशारा चाहिए, ये अपने आप ओपन ओपन जो है हो जाता है। अब देखो ऊपर की बात करें तो जो बूट लिड है वो आपको अच्छी तरीके से वेल्ड कवर जो है वो दी जाती है, तो ये सॉफ्ट टच मटेरियल ही पर अच्छी तरीके से वेल्ड कवर दी जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको इसे बंद करने के लिए भी स्पेस जो है वो दिया जाता है, और बूट का जो लीड है उसे संभालने के लिए यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक्स जो स्टड्स है वो भी दिए जाते हैं। अब देखो बूट स्पेस की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको अच्छा खासा बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है, 350 लीटर का इसके अंदर आपको बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है। किसी भी प्रकार की इसके अंदर आपको पार्सल ट्रे जो है वो नहीं दी जाती। अब देखो बूट की अगर बात करें तो ये आपको अच्छी तरीके से वेल्ड कवर जो है वो दिया जाता है, इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई ओपनिंग वगैरह जो नहीं दी जाती। एक और अच्छी बात जो टाटा की है, इसके अंदर आपको पंचर रिपेयर किट जो है वो भी इसके अंदर आपको साथ में ही मिलती है। अब बात करते हैं इसके स्पेयर व्हील की। देखो स्पेयर व्हील जो है आपको इसके नीचे मिल जाता है, जो कि आपको 15 इंच का ही मिलता है, सेम साइज़ का आपको इसके अंदर स्पेयर व्हील जो है वो मिल जाता है। तो बूट को करते हैं बंद और देखते हैं इसकी सेकंड रो। सबसे पहले इसका जो सेकंड रो डोर है हम उसकी ओपनिंग की बात कर लेते हैं। ओपनिंग आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, और अगर हम बात करें इसके डोर ट्रिम की तो देखो डोर ट्रिम में जो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका डोर लीवर, यहाँ पर आपको ट्विटर के लिए जगह तो दी जाती है लेकिन इसके अंदर ट्विटर जो आपको नहीं मिलता। ये आपको हैंड ग्रिप के लिए जहाँ पर हैंडल दिया जाता है, थोड़ा स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। अब इसके अंदर आपको पावर विंडो तो नहीं मिलता लेकिन हाँ मैनुअल विंडो ज़रूर दिया जाता है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये भी आपको स्पीकर के लिए जगह ज़रूर दी जाती है लेकिन इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम ही नहीं मिलता। यहाँ पर थोड़ा स्पेस आपको और मिलेगा, और इस तरफ आप देख रहे हो यहाँ पर आपको वाटर होल्डर भी मिल जाता है जिसके अंदर 1 लीटर की वाटर आप आराम से बैठा सकते हो। अब बात करें इसके मटेरियल सिलेक्शन की, तो देखो मटेरियल सिलेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा इसके अंदर मिल जाता है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि टाटा के जो फिट एंड फिनिश लेवल है वो बेकार है, और जो मटेरियल सिलेक्शन एक्चुअली जो प्लास्टिक सिलेक्शन है वो भी अच्छा नहीं है। देखो मैं उन सभी का वहम जो है पहले दूर कर देता हूँ। पहली बात, फिट एंड फिनिश हाँ कहीं कहीं पर जो है पैनल गैप आपको मिल जाते हैं, मैं मानता हूँ ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो कार है वो पूरी तरीके से बेकार है, बहुत ही बेहतरीन कार टाटा ने बनाई है। अब बात करते हैं इसके मटेरियल सिलेक्शन की, प्लास्टिक मटेरियल सिलेक्शन की अगर आप बात करोगे तो देखो कैमरे में आपको जैसी भी नजर आए लेकिन जब तक आप शोरूम पर जाकर कार को एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक आपको समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं जो इसका मटेरियल सिलेक्शन है ना वो बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर आपको मिल जाता है। एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त आपको इसके अंदर मटेरियल सिलेक्शन मिल जाता है, टाटा ने बहुत अच्छा इसके अंदर मटेरियल सिलेक्शन किया है। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट रो की। फ्रंट रो का जो डोर है उसकी डोर ओपनिंग सबसे पहले हम देख लेते हैं। उसकी जो डोर ओपनिंग है वो आपको अच्छी खासी मिल जाती है। एक्चुअली ये डोर और थोड़ा ओपन हो सकता है, मैं कर नहीं सकता इसकी वजह से, पर इसकी डोर ओपनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है, और जो डोर की जो साइज़ है वो भी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलती है। एक चीज़ जो इस प्राइस रेंज में बहुत सी कंपनियां जो है वो नहीं देती हैं, जो मुझे इसमें अच्छी लगी, ये आप देख रहे हो, रिफ्लेक्टर। जब भी आप कहीं पर भी रोड साइड में कार को लगाते हो, रात का जो समय होता है, तब आप जो ये रिफ्लेक्टर जो है ये बहुत काम आता है। पीछे से आने वाली किसी भी कार को ये पता होता है यहाँ पर एक कार खड़ी होती है और उसका डोर जो है वो फिलहाल ओपन है। अब डोर ट्रिम की बात करें तो डोर ट्रिम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं, क्यों 4 नहीं मिलते, क्योंकि पीछे की जो विंडोज़ हैं वो आपको मैनुअल मिलती है। यहाँ पर आपको इसका डोर लीवर मिल जाता है, और किसी भी प्रकार के जो स्पीकर है वो आपको नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर आपको स्पीकर और ट्विटर के लिए जो है स्पेस ज़रूर दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक अम्ब्रेला होल्डर भी जो है ना वो भी मिलता है, जो कि मैंने किसी भी इस प्राइस रेंज की किसी भी कार में देखने को नहीं मिलता, ना मैंने देखा है। और यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस और मिल जाता है, इसके पास में आपको यहाँ पर वाटर होल्डर भी मिल जाता है जिसके अंदर 1 लीटर की बोतल आराम से बैठ सकती है। ORVM जो है वो आपको मैनुअली यहाँ से एडजस्ट जो है करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट रो की, ड्राइवर सीट की। देखो ड्राइवर सीट की अगर बात करें तो उसका जो थाई स्पोर्ट है वो देखो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त जो है थाई स्पोर्ट मिल जाता है, और ये जो सीट की कुशनिंग है ये मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से आप जब भी इसमें लॉन्ग ड्राइव करोगे, लॉन्ग रूट पर जाओगे तो आपको थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। अब सीट के एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो जी हाँ, सीट को आप रिक्लाइन तो कर सकते हो लेकिन सीट को
जो हाइट एडजस्टमेंट है वो नहीं कर सकते आप, और साथ ही जो सीट में आगे और पीछे करने की सुविधा वो भी इसके अंदर आपको मिल जाती है। इस तरफ आपको थ्री पेडल जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का आपको इसके अंदर डेड पेडल जो है वो नहीं मिलता। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस जो है वो और मिल जाता है, यहाँ पर इसका एसी वेंट जो है वो मिल जाता है। अब सबसे पहले इसकी जो चाबी है, जो की है, इसको इसकी जगह पर करते हैं फिक्स। और अब देखिए आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कितना ज़बरदस्त है, फुल्ली डिजिटल आपको इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो मिल जाता है। इसके अंदर आपको यहाँ पर बीच में एक MID मिल जाती है, जिसके अंदर ट्रिप मीटर, फ्यूल इकोनॉमी और फ्यूल कितना बचा है, किलोमीटर कितने चल गई, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सी चीज़ें जो आपको मिल जाती है। इस तरफ आपको मिलता है स्पीडोमीटर, सॉरी टेकोमीटर, और यहाँ पर इसके अंदर बीच में जो है आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर। फिर बात कर लेते हैं इसके स्टेयरिंग व्हील की। अब स्टेयरिंग व्हील जो है ये आपको मिलता तो सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ है, लेकिन ये लेदर रैप्ड इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। अब इस तरफ आपको मिलते हैं इसके वाइपर के कंट्रोल, और इस तरफ आप देखोगे तो इस आपको मिलते हैं इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स। क्योंकि म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर नहीं मिलता, तो आपको इस तरफ भी आपको किसी प्रकार के कंट्रोल्स नहीं मिलते, और ना ही इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह सब मिलते हैं, बिकॉज ये बेस्ट मॉडल है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको इसके अंदर मिलता है, और इस स्टीयरिंग व्हील की सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि जो आप गाड़ी का जो हॉर्न है वो आप यहाँ से ही एक्चुअली बजा सकते हो, यहाँ पर आपको बार बार में हाथ नहीं लाना पड़ेगा, जो एक सेफ्टी के पर्पज से एक अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इसके सेंटर कंसोल की। तो सेंटर कंसोल में देखो म्यूजिक सिस्टम तो इसके अंदर नहीं है, पर हाँ यहाँ पर स्पेस जरूर दिया गया, आप चाहो तो म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर लगवा सकते हो, या फिर ये जो स्पेस आप इसे यूज़ भी कर सकते हो। इसके जस्ट नीचे आपको मिलता है यहाँ पर इसका एसी वेंट, और जिसका जो डिज़ाइन है मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर इसके हैजार्ड लैंप के स्विच जो है वो दिया जाता है, और इसके जस्ट नीचे आपको इसका मैनुअल जो एसी है वो आपको इसके अंदर दिया जाता है। अब इसके जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 12 पावर सॉकेट जो है वो दिया जाता है, थोड़ा स्पेस आपको यहीं पर ही मिलता है। और इसके पास में यहाँ पर जस्ट आप देख रहे हो ये इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। अब देखो ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो ऐसा कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही स्मूथ है, लेकिन जो पहली बार चलाएगा उसे शायद ये लग सकता है। और क्लच की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, मतलब इतना लाइट क्लच तो मैंने किसी भी कार में नहीं देखा है। अब उसके बाद अगर बात करें तो इसके अंदर आपको अलग अलग जो है मोड्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको सिटी मोड हो गया, इको मोड हो गया, और स्पोर्ट्स मोड हो गया। चाहो तो ये मोड आप चेंज भी कर सकते हो, इकोनॉमी मोड आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो आप इको मोड पे इसे रख सकते हो, उसके अलावा स्पोर्ट्स मोड हो गया या इकोनॉमी सॉरी सिटी मोड है उसमें भी आप रख सकते हो। उसके पास में आपको यहाँ पर मिलता है इसका हैंड ब्रेक, और ये जो सेंटर कंसोल एक्चुअली है ये काफ़ी हाथ के काफ़ी पास है, और ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। और यहाँ पर आपको वाटर होल्डर भी दिया जाता है, इसके पास भी आपको यहाँ पर वाटर होल्डर दिया जाता है। पीछे की तरफ एसी वेंट वगैरह आपको मैंने पहले बता दिया, किसी प्रकार का एसी वेंट वगैरह नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की। तो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ आराम से ओपन होता है, और कितना ज़्यादा डीप आप इसे कह सकते हो, बहुत ही डीप, मतलब सेगमेंट में सबसे बड़ा ग्लव बॉक्स अगर आप कह सकते हो तो वो आपको नेक्सॉन के अंदर ही मिलता है इस सेगमेंट के अंदर। अगर प्लास्टिक सिलेक्शन की बात करें तो देखो है तो हार्ड प्लास्टिक ही, ठीक है, पर प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो मुझे टॉप नॉच लगी, बहुत ही बेहतरीन प्लास्टिक यूज़ किया गया है। देखो यहाँ पर एक अलग प्लास्टिक यूज़ किया गया है, यहाँ पर एक अलग प्लास्टिक यूज़ किया गया है, एक्चुअली टेक्सचर अलग है, फिर यहाँ पर प्लास्टिक और टेक्सचर दोनों ही अलग है। और यहाँ पर अगर बात करोगे तो ये प्लास्टिक का जो टेक्सचर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो मैं इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ, उसकी वजह है कि ये जो है तो प्लास्टिक ही, लेकिन इसको जब आप हाथ लगाओगे तो ये जो फील है ये एक थोड़ा मखमली टाइप आपको इसके अंदर फील जो है वो मिल जाती है। अब बात करते हैं ऊपर की साइड, सन वाइजर में आपको मिरर तो मिलता है लेकिन किसी प्रकार की लाइटिंग वगैरह नहीं मिलती। यहाँ पर आपको ग्रिप हैंडल मिलता है सॉफ्ट क्लोज के साथ, सन ग्लास होल्डर भी आपको यहाँ पर मिलता है। लाइटिंग की बात करें तो ये अच्छी चीज़ है टाटा की, इनकी कोई भी कार आप ले लो, कोई सा भी वेरिएंट आप इसके अंदर ले लो, आपको इसके अंदर जो लाइट है वो आपको LED के अंदर ही मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है। इस तरह बात करें तो आपको टिकट होल्डर तो मिलता है, ना किसी प्रकार की लाइट और ना कोई मिरर आपको इसके अंदर मिलता है। और अगर इसके अंदर बैठने की फीलिंग की बात करें तो आपको बोनेट का एज जो है वो आपको अच्छी तरीके से नज़र आता है, जिससे
कार को ड्राइव करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और सेंटर कंसोल की देखो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा बता देता हूँ, जो सेंटर कंसोल है ना ये हाथ के काफ़ी पास है, तो अगर देखो इसके अंदर जो है आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचा दिया गया है, जिसकी तरह वजह से आपको आप अपना हाथ जो है यहाँ पर रख सकते हो। अब मैं आपको इसका इंजन वे दिखा देता हूँ। इंजन वे को खोलने के लिए यहाँ पर एक लीवर दिया गया है, इंजन वे जो है वो खुल जाता है, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंजन। इसका इंजन हुड है जो बहुत ही भारी मिलता है, और इसका इंजन वे जो है आपको इस तरीका का देखने को मिलता है, वो EBS प्लस EBD वगैरह की आपको किट जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, और आप 4 सिलेंडर का इसके अंदर इंजन मिल जाता है, और इसका इंजन भी आप देख ही रहे हो, और नॉइज़ वगैरह के लिए अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर कवरिंग जो है वो मिल जाती है। और ये जो है ना ये बहुत ही भारी है, और इसके भारी होने की एक वजह है, वो वजह है क्योंकि ये है भारत की पहली कार जिसने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार की बेहतरीन सेफ्टी रेटिंग जो है स्कोर की थी, इसलिए इसके अंदर आपको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग जो है वो मिल जाती है। आप देखो चाहे आप बेस मॉडल लो चाहे आप टॉप मॉडल लो, आपको इसके अंदर 5 स्टार की बेहतरीन सेफ्टी रेटिंग जो है वो तो मिलती ही मिलती है, और इतनी ज़बरदस्त इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना, जब आप इसे एक्सपीरियंस करोगे ना शोरूम में आके तब आपको पता चलेगा। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। सामने अपने हैं टाटा की नेक्सॉन एक्स ई वेरियंट है, बेस मॉडल है। कार आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, और अगर ऐसी ही और वीडियो देखनी है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद।